खुमैनी की बयात रसूल मौजम की बयात है। ये कहना है ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामनाई का। उन्हीं के इमरूज वो इमाम खुमैनी बयात मिकोने वो पैगंबर बयात किया। वेल दोस्तों, एक ऐसे शख्स की बयात कैसे रसूल मौजम की बयात हो सकती है जो कि खुद इमाम ज़माना को ही वाजिबुल कत्ल समझता है। एंड ये तो वो शख्स है जो कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए अपनी तकरीरों और किताबों में झूठ बोलता है, यहाँ तक कि मासूमीन के खिलाफ बकवास करता है। वेल दोस्तों, ये तो आप जानती हो कि ये और इसके साथी उलमा अपनी गवर्नेंस और इक्तदार को कायम रखने के लिए इस्लाम के नाम को यूज़ करते हैं और अपनी हुकूमत को इस्लामी हुकूमत कहते हैं। हुकूमत इस्लामी ऐसे मुमकिन है कहे कि हमें हुकूमत इस्लामी की ज़रूरत नहीं। इसी इस्लामी हुकूमत के नाम पर हजारों लोगों की जायदादों को उनसे छीन लिया गया और हजारों बेगुनाह लोग कत्ल कर दिए गए। लेकिन इनकी असल मुनाफकत तो तब सामने आई जब खुमैनी ने खुद ही इस बात का एतराफ़ किया। लेकिन एक मिनट, खुमैनी ने एग्जैक्टली क्या कहा था? ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ताकि खुमैनी कितना बड़ा मुनाफिक था ये बात और भी वाजे हो जाए। दोस्तों, खुमैनी कहता है कि हम इस मुल्क में इस्लाम को नाफिज करेंगे जिस तरह वो है। दुनिया भर के मुसलमान भी अपने मुल्कों में इस्लाम को नाफिज करेंगे और दुनिया में इस्लाम का दौर दौरा होगा। एक और जगह ये कहता है कि हम इंशाल्लाह इस्लामी मुल्कों के अंदर तमाम सितमगरों के जालिम हाथों को तोड़ देंगे और अपने इनकलाब को बरामद करके आलमी इस्तेमार के जुल्म सितम तसल्लुत और इक्तदार का खात्मा करेंगे। क्योंकि हमारे इनकलाब को बरामद करना दरहकीकत सच्चे और बरहक इनकलाब को बरामद करने और तालीमात मोहम्मदी को आश्कार करने से इबारत। वेल एक मिनट, आइमा तो इज़्ने मासूम के बगैर इनकलाब या जिहाद करने के मुखालिफ है, राइट? एंड इमाम जाफिर सादिक रसूलुल्लाह की तो वाज़ह हदीस मौजूद है कि कायम के क्याम से पहले जो भी परचम बुलंद होगा उसका मालिक ताहूत होगा। वेल डू यू नो कि इमाम जाफिर सादिक रसूलुल्लाह के इस फरमान को खुमैनी माज़ल्ला बकवास कहता है। वो ये कहता है कि हर परचम और हर हुकूमत को बातिल करार देना इंतजार जहूर के मुनाफी है। ऐसा कहने वालों को मालूम नहीं कि वो क्या बक रहे हैं। अगर बिलफर्ज 200 रिवायात भी इसके बारे में होती तो हम सभी को दूर फेंक देते। दोस्तों, यही नहीं, ये खुमैनी तो खुद को वली अम्र कहता है। वो ये कहता है कि आज भी और हमेशा के लिए एक वली अम्र का वजूद जरूरी है जो इस्लामी निज़ाम और कवानीन का निगेबान और मुहाफिज हो, जो जुल्म सितम और दूसरों के हकूक की पामाली का रास्ता रोकने वाला हो। आगे कहता है कि क्या अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत इन्हीं मकासद के लिए न थी? दोस्तों, इसके बाद तो खुमैनी ने इमाम ज़माना की वजूद का इनकार कर दिया। वो ये कहता है कि वो ज़रूरियात जिनकी वजह से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इमाम बने थे आज भी मौजूद हैं, अलबत्ता इस फर्क के साथ कि आज कोई मुअय्यन शख्स सामने नहीं है। दोस्तों, ये खुमैनी जिसने लाखों लोगों को इस्लाम के नाम पर उकसाया और इस्लामी जिहाद के नाम पर लाखों लोगों को लड़ने मरने पर मजबूर किया, इसकी मुनाफकत का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा सकते हो कि वो खुद ये कहता है कि हमारी लड़ाई इस्लाम के लिए नहीं है बल्कि हमारी लड़ाई अपनी ज़ात के लिए। हवाहाय ما دعوایی نیست که برا خدا باشد اینا از گوشتون همه بیرون کنید دعوای خود من و شما و همه کسانی که دعوا میکنن همه برا خودشون همه میگن پیش بده برام همه میخوان تمام این قدرت چی چی دوستان خمینی کے اعتراف سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں हजारों लोगों को कत्ल करना, इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह के फरमान को बकवास कहना, इमाम ज़माना के वजूद का इनकार करना और उनको वाजिबुल कत्ल करार दे देना, ये सभी खुमैनी साहब की अपनी ज़ात के लिए था। और इसी वजह से इमाम रहमतुल्लाह ने मुझसे दीन को इमाम ज़माना का दुश्मन कहा है और ये बताया है कि ये लोग इमाम ज़माना रहमतुल्लाह को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। वह ये वीडियो देखो और जान लो कि कैसे।